और रुझानों की बात की जाए तो 542 लोकसभा की सीटों से 102 लोकसभा की सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। बदायूं की बात करें तो शिवपाल के बेटे जो है वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा की बात करें तो कमलनाथ के बेटे पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा से जिसको कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है वहां सीधे तौर पर कमलनाथ के बेटे जो है उम्मीदवार है कांग्रेस की तरफ से, वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। घोसी की बात की जाए तो राजीव राय वो आगे नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव आगे, निरहुआ के लिए ये पूरी खबर है कि धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। 100 से सीटों से ज्यादा पर रुझान जो है वो अब तक जारी हो चुके हैं। टैली के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, लगातार पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और शिवपाल के बेटे पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं बदायूं लोकसभा की सीट से, और दिल्ली के 7 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। जिस तरीके से एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आया था दिल्ली को लेकर कि 7 के 7 सीटें बीजेपी के खाते में नजर आ रही है, और रुझानों में अब तक एग्जिट पोल सही साबित होता नजर आ रहा है। घोसी की बात करें तो राजीव राय यहां से आगे नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ से निरहुआ के लिए बुरी खबर है क्योंकि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को यहां बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पल पल का अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। 543 लोकसभा की सीटों में से एक सीट तो बीजेपी जीत चुकी है, तो बात करें 542 में से 166 सीटों का रुझान जो है वो अब तक सामने आया है। अगर आप आंकड़ा देखते हैं तो एनडीए यहां आगे चलता हुआ रुझानों में सीधे तौर पर नजर आ रहा है। 95 सीटों पर जो है एनडीए रुझानों पर आगे है। इंडिया की बात करें तो 72 सीटों पर रुझानों में आगे चलती हुई नजर आ रही है। ज्यादा अंतर इस पे नजर नहीं आ रहा है, कभी भी कोई भी आगे कोई भी पीछे हो सकता है। अभी जो है पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती हो रही है, ईवीएम से थोड़ी देर बाद वोटों की गिनती होगी तो वो भी तस्वीर हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो पल पल का अपडेट आपको हम दे रहे हैं। लगातार जनसत्ता पर महाकवरेज लगातार जारी है। पहला चरण 19 अप्रैल का वो दिन था जब हमने वोटिंग की पहली तस्वीर दिखाई थी, और आज जो है सरकार बनाने का दिन है। आज किसकी सरकार बनेगी, कौन सिंहासन पर काबिज होगा, उसका दिन है। और पल पल का अपडेट हम आपको आज भी दे रहे हैं। सीधे तौर पर छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे पीछे चल रहे हैं, डिंपल यादव आगे चल रही है। देखिए समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे वो कन्नौज हो, तीनों ही जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज हैं। कन्नौज से बात करें तो अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। अगर मैनपुरी की बात करते हैं तो डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतरी हुई थी। अगर हम आजमगढ़ की बात करते हैं तो वहां से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, और तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव, कन्नौज से अखिलेश यादव, और इसके अलावा आजमगढ़ से अगर बात करें तो धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए बुरी खबरें जरूर सामने आ रही है, क्योंकि छिंदवाड़ा जो कभी कमलनाथ का गढ़ हुआ करता था वहां बीजेपी ने सेंध मारी, पहले विधानसभा चुनाव में मारी और अब लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी वहां सेंध मारी मारते हुए नजर आ रही है। सीधे तौर पर जिसको नहीं पता उसे बता देते हैं कि लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में हुआ था और आज जो है वो रिजल्ट आ रहा है। सीधे तौर पर मुमताज पटेल को आपको सुनाते हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता है, और उनका जो लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक बयान भी बड़ा वीडियो जो है वो वायरल हुआ।